हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएसएफ में आई वैकेंसीज के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा पोस्ट का नाम, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोज लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बात करते हैं बीएसएफ में वैकेंसीज की। बीएसएफ इट मींस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसमें जो वैकेंसी आया हुआ है ये वाटर विंग के लिए आया हुआ है, और इसमें जो पोस्ट आए हुए हैं वो तीन प्रकार के पोस्ट हैं। इसके नाम हैं सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। ये जो तीन प्रकार के जो पोस्ट हैं ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए आए हुए हैं। तो चलिए एक एक करके ये सारे पोस्ट को देखते हैं। तो पहले जो पोस्ट है उसका नाम है सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर जो है वो तीन अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए आया हुआ है। उसका नाम है मास्टर, इंजन ड्राइवर और वर्कशॉप, जिसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10+2 एटलीस्ट। और साथ ही साथ मास्टर के लिए आपके पास जो है सेकंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो सेंट्रल ड्राइवर के द्वारा दिया जाता है। और इंजन ड्राइवर के लिए जो है फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये सर्टिफिकेट जरूरी है। और जो वर्कशॉप का जो सर्टिफिकेट जो है उसमें रखा गया है 10+2+ बैचलर डिग्री, और साथ ही साथ ऑटोमोबाइल का आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं हेड कॉन्स्टेबल की। हेड कांस्टेबल भी सेम टू सेम इसी तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट में आए हुए हैं, वो है मास्टर, इंजन ड्राइवर और वर्कशॉप में। इसमें क्वालिफिकेशन जो रखा गया है वो है मैट्रिक, और साथ ही साथ इसमें स्पेशल सर्टिफिकेट भी रखा गया है। जैसे कि मास्टर के लिए जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सैरंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, और हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के लिए जो है वो है लैंड क्लास इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ जो हेड कांस्टेबल वर्कशॉप के लिए उसमें आईटीआई का कोर्स होना जरूरी है। और ये आईटीआई का जो कोर्स है उसके सब्जेक्ट्स जो होंगे, इट मीन्स ट्रेड जो होगा वो कुछ ऐसे है, मैकेनिक जो है डीजल मैकेनिक का कोर्स, या पेट्रोल मैकेनिक, या कारपेंट्री, या एसी रिपेयर, ये सारा जो है ट्रेड इसमें होना चाहिए। और जो कांस्टेबल का जो पोस्ट है उसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है मैट्रिक, और साथ ही साथ एक साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो किस चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए बोटिंग का। और ये जो बोट का जो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसका जो क्राइटेरिया दिया गया है वो है 265 HP, इट मीन्स हॉर्स पावर का जो बोट होता है उसे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें वर्क करने का या उसे चलाने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो ये तो था इनके क्वालिफिकेशन की बात। अब बात करते हैं इसके एज लिमिट की। सो इसमें जो एज लिमिट रखा गया है, सब इंस्पेक्टर मास्टर के लिए एज लिमिट है मिनिमम 22 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स। सब इंस्पेक्टर वर्कशॉप के लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो है मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स। और हेड कांस्टेबल के लिए और साथ ही साथ कांस्टेबल के लिए जो एज लिमिट रखा गया है मिनिमम 20 इयर्स और मैक्सिमम 25 इयर्स। ध्यान रखिएगा कि इसमें जो अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, इट मीन्स ओबीसी, एससी या एसटी या ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी होते हैं उसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। इसके साथ साथ इसमें जो अप्लाई करने का तरीका है वो है ऑनलाइन मोड, जिसका लिंक आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सो जैसे ही आप इसमें अप्लाई करेंगे वैसे ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा आपका एग्जाम, इट मीन्स रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट होने के बाद आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका जो है फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा।
फिजिकल टेस्ट में इसमें जो अलग अलग कैटेगरी है, इट मीन्स रनिंग करवाया जाएगा या फिर आपसे स्विमिंग करवाया जाएगा, इसकी जानकारी आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़कर जरूर लीजिएगा। और इसके साथ साथ आपका जो है ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट इट मीन्स जो आपने कोर्स किया हुआ है, जैसे कि मैंने बात किया कि कॉन्स्टेबल का है, तो उसमें उनका ट्रेड से संबंधित टेस्ट लिया जाएगा। जो आपने प्रैक्टिकल किया होगा, जो आपने वर्क किया होगा, उसी का टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप ये सारे पोस्ट को, ये सारे जो एग्ज़ाम हैं और ये सारे जो टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपकी जो पोस्टिंग इन पोस्ट पर कर दी जाएगी। सिलेक्शन होने के बाद जो आपकी सैलरी होगी वो कुछ इस प्रकार होगी कि अगर आपका सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर लेवल पे हो जाता है तो आपकी सैलरी लेवल 6 की होगी, और ये जो सैलरी बनेगी वो होगी 35,000 to 1,12,000 के बीच की, और साथ ही साथ आपको अदर अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। और यदि आपका सिलेक्शन हेड कांस्टेबल पे हो जाता है तो आपका सैलरी होगा लेवल 4 का। इसका मतलब है कि आपकी सैलरी 25,000 से लेकर 81,100 रुपए के बीच की बनेगी, और साथ साथ अदर जो अलाउंस है वो तो दिया ही जाएगा। और यदि आपका सिलेक्शन कांस्टेबल में हो जाता है तो आपका जो सैलरी होगा वो लेवल 3 का होगा। इट मीन्स आपकी जो सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 रुपए के बीच की होगी। तो आपके पास एक बहुत ही बढ़िया मौका है एक अच्छा और एक शानदार गवर्नमेंट जॉब पाने का। तो देखिए इसे, अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो इसमें अप्लाई कीजिए और अपना एक शानदार कैरियर बीएसएफ में बनाइए। ध्यान रखिएगा, इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट है 28 जून 2022। तो देखिए इसे, और साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। थैंक यू।